इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। उद्धव से मिलने के लिए पहुंचे हैं शरद पवार। मुंबई में सीएम आवास पर बड़ी बैठक चल रही है। शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच बैठक शुरू हो चुकी है। अब से कुछ देर पहले उद्धव ठाकरे का संबोधन और उसके बाद शरद पवार अब उनसे मिलने के लिए पहुंच चुके हैं। बैठक शुरू हो चुकी है। संवाददाता विशाल पांडे इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, इस पर अगर बैठक में चर्चा हो रही होगी तो किन मुद्दों पर चर्चा हो रही होगी? शरद पवार की अगर बात करें तो पिछली बार उन्होंने अजीत पवार की बगावत को बड़े ही आसानी से सुलझा दिया था। क्या कोई गुरु मंत्र दे पाएंगे उद्धव ठाकरे को? देखिए, उद्धव ठाकरे ने फेसबुक लाइव से पहले शरद पवार से फोन पर बातचीत भी की थी और इसीलिए उद्धव ठाकरे ने शिवसैनिक मुख्यमंत्री होने का दाव यहां पर खेला है कि वो इस्तीफा देने के लिए तैयार है अगर कोई शिवसेना से जुड़ा हुआ व्यक्ति ही मुख्यमंत्री बने। अब शरद पवार जब उद्धव ठाकरे के साथ मुलाकात करने उनके घर पर पहुंचे हैं तो उम्मीद ये लगाई जा रही कि शरद पवार इस वक्त आने वाली रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे के सामने बहुत कम विकल्प बचे हैं। शिवसेना के जो बागी विधायक हैं वो मानने को तैयार नहीं है और उद्धव ठाकरे से उनकी बातचीत भी हुई लेकिन उसके बाद भी एकनाथ शिंदे अभी तक भी मानने को तैयार नहीं हुए हैं। ऐसी स्थिति में शिवसेना के विधायक बिल्कुल कम होते जा रहे हैं और इनकी सरकार अल्पमत में आ रही है, तो उद्धव ठाकरे के सामने चुनौतियां बहुत ज्यादा है। शरद पवार क्या रास्ता निकालते हैं यह कह पाना मुश्किल है, लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि बहुत कम रास्ते बचे हैं। शिवांगी, उद्धव ठाकरे से मिलने पहुंचे हैं शरद पवार, क्या बात हो रही होगी? जी देखिए, आप तो ये वही बता सकते हैं कि क्या बात हो रही होगी, लेकिन बात ऑफ कोर्स जो इस वक्त पूरी चर्चा चल रही है वो इसी पर कि एकनाथ शिंदे किस तरह से बागी हो गए हैं। सबसे पहले हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे चंदन की। देखिए, यही वो इलाका है, अभी अभी यहीं से एनसीपी के सभी नेताओं का काफिला गुजरा है। एनसीपी के सुप्रीमो शरद पवार, उनके अलावा आपको बता दें कि खुद सुप्रिया सुले, जयंत पाटिल, इसी के साथ साथ जितेंद्र अवाड़, वो तमाम नेता यहाँ पर पहुँचे हैं जो कि कोर कमेटी के भी मेंबर है और इसी के साथ साथ वरिष्ठ नेता है, उनकी बड़ी भूमिका है, कैबिनेट मंत्री भी है कई। सबसे बड़ी बात, शरद पवार से मिलना आज तय नहीं था क्योंकि सुबह एंटीजन टेस्ट उद्धव ठाकरे की पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद उन्होंने फ़ोन पर बातचीत की और फ़ोन पर बातचीत करने के बाद RT-PCR टेस्ट कराया, जिसके बाद नेगेटिव आता है और देखिए शरद पवार यहाँ पर मिलने आए हैं। सबसे बड़ी बात यही होगी कि जैसे अजीत पवार बागी हुए थे, लगभग वैसी स्थिति यहाँ पर भी बनी हुई है। एकनाथ शिंदे भी बागी हो रहे हैं, लेकिन अजीत पवार जब बागी हुए थे तब उनको मना लिया गया था क्योंकि वो सिर्फ एक नेता ही नहीं बल्कि परिवार के सदस्य भी थे, लेकिन यहाँ परिस्थितियाँ अलग हैं। एकनाथ शिंदे परिवार के सदस्य कहलाए तो जाते हैं पर उन्हें ऐसा लगता है कि परिवार के सदस्य की तरह उन्हें महत्व नहीं दिया गया, उनसे ज़्यादा महत्व कहीं ना कहीं संजय राउत को दिया गया, इसीलिए वो बागी हो गए हैं। भावुक मैसेज देने की कोशिश की यहाँ पर मुख्यमंत्री ने, लेकिन अब इस मुलाकात के बाद क्या कुछ निकल कर आएगा ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। मुलाकात के बाद क्या अपडेट आती है आपसे, आपके पास दोबारा लौटेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, शिवसेना विधायक नितिन देशमुख का बयान, मुझे धोखे से सूरत लाया गया, सूरत पहुंचने पर लगा कि यहां गड़बड़ है, मुझे वहां से निकलने नहीं दे रहे थे, मेरे पीछे पुलिस लगा दी गई थी। नितिन देशमुख जॉब से कुछ घंटे पहले वापस लौट आए हैं, बागी कैंप से वापस उद्धव ठाकरे कैंप में लौट आए, उनका आरोप, मुझे धोखे से सूरत लाया गया, सूरत पहुंचने पर लगा कि यहां गड़बड़ है, क्योंकि हमारे विधायक दल के नेता जो कि एकनाथ शिंदे ही थे उनके कहने पर हम वहां गए, लेकिन सूरत पहुंचकर लगा गड़बड़ है, मैं जबरन वहां से निकल कर आया, मेरे पीछे पुलिस लगा दी गई थी। गठनेता शिंदे साहब का आदेश था, उनके साथ में गाड़ी में हम बैठ के चले गए, लेकिन सूरत जा रहे हमारे को पता नहीं था। जब सूरत के नज़दीक गए तब पता चला कि हम सूरत लाया गया, लेकिन यहाँ कुछ तो भी गड़बड़ी अलग ही दिख रही है। तब वहाँ से एक निकलने का दिल कर रहा था कि यहाँ से अपन ने जल्दी चले जाना, और वहाँ से निकलने में मजाव कर रहे थे। मैंने बोला हमारे को बाहर जाने का, जाने नहीं दे रहे थे, तो भी मैं जबरदस्ती से वहां से निकला। निकलने के बाद 5-6 किलोमीटर पैदल चला, मेरे पीछे पुलिस का ताफा, उनका गाड़ा वाहन 20-25 का पुलिस का ताफा, सो पुलिस का ताफा मेरे पीछे चालू, मैं उनके आगे, मैं पीछे, मेरे आगे हो। 3:30 के दरमियान मेरे को 20-25 पुलिस ने जबरदस्ती, कोई किसने टंगड़ी पकड़ाई, किसने कमर पकड़ाई, किसने हाथ पकड़ा, जबरदस्ती उठा के गाड़ी में डाला और मेरा सरकारी अस्पताल में लिया। अब मेरे को कौन सी बीमारी नहीं है, सरकारी अस्पताल में लाया अपने किस लिए?
तो नितिन देशमुख जो कि पहले बागियों के साथ थे और अब वापस लौटे हैं, तो तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं अश्विन पांडे। अगर बात की जाए दावों की तो दोनों पक्षों की ओर से दावा किया जा रहा है। एक तरफ 46 से ज्यादा विधायक होने का दावा कर रहे हैं एकनाथ शिंदे, तो दूसरी तरफ नितिन देशमुख ये बता रहे हैं कि उनको जबरदस्ती ले जाया गया था। क्या दावों में दम नजर आता है? किस पक्ष के दावे कितने दमदार हैं? जी देखिए, नितिन देशमुख को लेकर कल भी संजय राउत ने बात कही थी और अब नितिन देशमुख वापस आ चुके हैं। एकनाथ शिंदे से जब मीडिया के लोगों ने बातचीत की तो एकनाथ शिंदे का कहना था कि नितिन देशमुख की तबीयत खराब थी, उन्हें वापस जो है घर भेज दिया गया है, लेकिन वो हमारे साथ ही हैं, ये भी उन्होंने बात कही। लेकिन जिस तरह से नितिन देशमुख अब बातें कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक तरह से एकनाथ शिंदे की तरफ सवाल खड़े करते हैं कि क्या उन्हें जबरन लेकर जाया गया था, जो शिवसेना लगातार क्लेम कर रही है। लेकिन बाकी विधायकों का अगर हम हाव भाव तस्वीरों और जो वीडियो सामने आए हैं उसमें ये समझ में से बिल्कुल परे है कि क्या उन्हें जबरन ले जाया गया है या फिर वो खुद से गए हुए हैं। और यहाँ पर इसलिए बात बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कि कुछ समय पहले, कुछ महीनों पहले प्रताप सरनाईक जो शिवसेना के थाना से विधायक हैं, उन्होंने पत्र लिखकर भी ये कहा था, उद्धव ठाकरे को पत्र लिखा था सीधे तौर पर, और कहा था कि बीजेपी के साथ जाना चाहिए क्योंकि ठीक है। उद्धव ठाकरे ये कह रहे हैं कि पहले किसी ने नाराजगी नहीं जताई, लेकिन गाहे बगाहे उनके विधायक, उनके बड़े नेता जो है वो खतों के जरिए और अपनी नाराजगी जताते रहते। यशा कोटक, बार बार चर्चा ये हो रही है कि बीजेपी का आगे क्या कदम हो सकता है, किस तरह की हलचल देखने को मिल रही है। 7 बजे हमें याद रखना होगा कि 7 बजे एकनाथ शिंदे की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है, यहां पर क्या हलचल? जी, जैसे हमने देखा कि एक भावुक स्टेटमेंट जो किया फेसबुक लाइव में चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने, उसके बाद अब जो है 7 बजे जो एकनाथ शिंदे भी बात करेंगे, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि बीजेपी ने अपने विधायकों को मुंबई बुला लिया है, जहां एक बार जो है शिवसेना का जो एक पिक्चर क्लियर हो जाए। क्योंकि फिलहाल जो हम देख सकते हैं कि जहां उद्धव ठाकरे की मीटिंग चल रही है शरद पवार के साथ, और एक तरफ एकनाथ शिंदे ने भी अपना एक जो पत्र है वो रेडी रखा है कि अगर राज्यपाल को देना पड़े तो जिसमें उनके जो 40 विधायक है वो क्लेम कर रहे हैं, कि एकनाथ शिंदे खुद क्लेम कर रहे हैं कि उनके पास 40 विधायक है, तो जिसके चलते जो 106 विधायक है बीजेपी के उन्हें भी तैयार रखा गया कि अगर जो है, क्योंकि खुद उद्धव ठाकरे ने एक स्टेटमेंट में कहा है कि अगर शिवसैनिक चाहे तो मैंने अपना जो है रेजिग्नेशन तैयार रखा है, वो चाहे खुद राज्यपाल को दे दे, तो उसके चलते जैसे एक प्रोटोकॉल होता है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कि गवर्नर जो है, यानी कि जो राज्यपाल है वो जो सेकंड हाईएस्ट पार्टी जिसके पास सबसे ज्यादा सीटें होती है उन्हें बुला सकते हैं गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए। जिसके चलते हम देख रहे हैं कि क्योंकि बीजेपी के पास 106 जो विधायक है उन्हें सबको मुंबई बुलाया गया है, काफी विधायक जो फिलहाल अभी मेरे पीछे जो सागर बंगलो है जहाँ पे खुद देवेंद्र फडणवीस रहते हैं वहाँ पे भी अभी मीटिंग चल रही है सुबह से जो है, हम देख रहे हैं बीजेपी विधायकों को भी बुलाया गया है मुंबई, और एक तरफ वहाँ 40 विधायक होने का दावा, 40 से ज्यादा विधायक होने का दावा एकनाथ शिंदे कर रहे हैं। इस बीच उद्धव ठाकरे ने अबसे थोड़ी देर पहले फेसबुक लाइव पर क्या संदेश दिया है शिवसैनिकों को और एकनाथ शिंदे के साथ बैठे विधायकों को, आपको सुनाते हैं। या समोर बसा, मी देतो राजीनामा, चला मी तुमच्या हातामध्ये आज मी माझ्या राजीनाम्याचं पत्र तयार करून ठेवतो आहे, जे आमदार गायब आहेत किंवा त्यांना गायब केलेलं आहे त्यांनी यावं आणि माझ्या राजीनाम्याचं पत्र घेऊन राजभवनमध्ये जावं। मी का नाही जात? कारण मला कोविड झालंय। माझ्याकडे उत्तर आहे, ज्या शिवसैनिकांना असं वाटत असेल की मी शिवसेनेचं नेतृत्व करायला नालायक आहे, त्याला मला सांगा, मी हेही पद सोडायला तयार आहे। मी शिवसेना पक्षप्रमुख पद पण सोडायला तयार आहे, पण हे सांगणारा विरोधक नाहीतर असे फडतूस लोक खूप आहेत, त्यांच्या सांगण्यावर किंवा त्यांच्या त्या काय ते ट्रेंडिंग ट्रोलिंग ट्विटर फिटर ह्याच्यासाठी मी काय त्यांना मी बांधलेलं नाही आहे, मी माझ्या शिवसैनिकाला बांधलेलं आहे। आणि शिवसैनिक सुद्धा या भानगडीत पडणारा नाही आहे, कारण तो फेस टू फेस संकटाला सामोरं जाणारा शिवसैनिक आहे, म्हणून त्यांनी सांगावं मी दोन्ही पदं सोडायला तयार आहे, पण मी मुख्यमंत्री पद सोडल्यानंतर जर शिवसेनेचा मुख्यमंत्री होत असेल मला आनंदाने मान्य आहे, आनंदाने मान्य आहे, पण त्याही पलीकडे जाऊन केवळ मी मुख्यमंत्री नको, दुसरा कोणी असला तरी चालेल, पण शिवसेनेचा म्हणजे उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री नको, दुसरा कोणी चालेल, चला तेही मला मान्य आहे, पण एकदा मला समोर येऊन सांगा। शिवांगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शिवांगी, हमने सुना उद्धव ठाकरे का बयान एक बार फिर से, क्या उद्धव ठाकरे ने अपना अंतिम दांव चल दिया है, इमोशनल दांव चल दिया है कि कोई दूसरा शिवसैनिक बने, या उसके साथ जो उन्होंने इफ बट लगाए हैं वो कंडीशंस ज्यादा प्रिवेलिंग है?
देखिए चंदन, दाव भी खेला है और कहीं ना कहीं फंसाने की भी कोशिश की है एकनाथ शिंदे को। अब देखिए साफ तौर पर वो तैयार हैं कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, बागी नेता आकर हमसे बात करे और मेरा इस्तीफा खुद वो लेकर राजभवन जाए, लेकिन वो क्या कहते हैं, शर्त ये रखी है कि अगला मुख्यमंत्री शिवसेना का ही हो, ये बात सुनिश्चित करे। अब अगर एकनाथ शिंदे किसी और के साथ मिलकर आगे की रणनीति तैयार कर रहे होंगे तो इस बात का जवाब उनके पास नहीं होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, लगातार जैसा कि लोग कह रहे थे कि आज के दिन हो सकता है कि इस्तीफा दे दें उद्धव ठाकरे, तो इस्तीफा तो नहीं दिया उन्होंने लेकिन इस्तीफे की बात जरूर की है। एक बार फिर से हम चंदन अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखाएंगे, यहां हलचल बढ़ गई है और पिछले काफी समय से यहां पर आपको बता दें कि मीटिंग चल रहा है, मीटिंग का दौर जारी है, तमाम नेता यहां पर पहुंच रहे हैं वर्षा बंगलों पर और सबसे ज्यादा हैपनिंग यहीं पर है क्योंकि इस वक्त शरद पवार से लेकर उद्धव ठाकरे, सुप्रिया सुले, जयंत पाटिल सब यहां मौजूद हैं। भीतर मंथन चल रहा है कि रणनीति तैयार की जा रही है, शिवसेना इस वक्त मुसीबत में है और क्या शरद पवार का अनुभव काम आएगा क्योंकि उनके भी खेमे में ऐसी परिस्थिति आई थी, ऐसा समय आया था जिसको उन्होंने बहुत ही अच्छे से टैकल किया था। तो ये देखना होगा कि उद्धव ठाकरे क्या वो गुड़ सीख रहे हैं शरद पवार से या फिर दोनों ही मिलकर महाविकास आघाड़ी सरकार को कैसे बचाया जाए। ठीक है, कैसे बचा पाएंगे? अश्विन, अगर बात की जाए शरद पवार की, तब उन्होंने कहा था कि वो विधानसभा भंग करवा देंगे, दोबारा चुनाव होंगे और विधायक जो नए नए जीत कर आए थे दोबारा चुनाव में जाने को तैयार नहीं थे। लेकिन अब एकनाथ शिंदे की अगुवाई में जिन विधायकों ने बगावत की है, क्या उन्होंने भी इसे एंटिसिपेट किया होगा? अगर विधानसभा भंग होती है तो भी वो एकनाथ शिंदे के साथ डटे रहेंगे? जी देखिए, विधानसभा भंग होने जैसी नौबत फिलहाल नहीं है। अजीत पवार और एकनाथ शिंदे के मामलों में काफ़ी अंतर है। अगर आप इसे देखने जाएं तो अजीत पवार जो है परिवार के ही सदस्य थे, उनके साथ कोई भी विधायक बाहर कहीं जाकर बैठा नहीं था। एकनाथ शिंदे के मामले में बिल्कुल अलग है, यहाँ पर वो परिवार से नहीं है, शिवसैनिक हैं, बहुत पुराने शिवसैनिक हैं और वो बाला साहब के विचारों को लेकर चलने की बात कर रहे हैं। साथ ही जो विधायक उनके साथ गए हैं वो यहाँ महाराष्ट्र में मौजूद नहीं है, वो दूसरे राज्य में है। साथ ही वो ऐसे विधायक हैं जो लगातार उद्धव ठाकरे से मिलने की जो है समय मांगा करते थे लेकिन उन्हें मिलने का समय नहीं मिलता था और वो अपनी बातें, क्योंकि एकनाथ शिंदे दूसरे नंबर के मंत्री थे तो ऐसे में अपनी बातें वो एकनाथ शिंदे से करते थे और एकनाथ शिंदे सीधे तौर पर इन लोगों से जमीनी तौर पर जुड़े थे। और शरद पवार ठीक है, बताया ये जाता है कि एकनाथ शिंदे कहीं ना कहीं ठाकरे परिवार और आम कार्यकर्ताओं के बीच पुल का काम करते थे। उन लोग, क्योंकि जो कार्यकर्ता है उनकी सुनवाई ठाकरे परिवार में नहीं होती थी और इसी वजह से वो शिंदे से अपना दर्द बयां किया करते थे। विशाल, क्या माना जाए कि एकनाथ शिंदे जो कल तक सबसे बड़ी ताकत थे ठाकरे परिवार के, अब वो सबसे बड़ी कमजोरी बन चुके हैं? और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अभी तक शिवसेना में जैसा होता है कि बागियों के खिलाफ प्रदर्शन होना शुरू हो जाता है, वैसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, तो क्या जमीनी स्तर पर एकनाथ शिंदे का भी दावा कम मजबूत नहीं दिखता? बिल्कुल चंदन, क्योंकि एकनाथ शिंदे के साथ बहुत भारी संख्या में शिवसेना के विधायक इस समय गुवाहाटी में मौजूद हैं और एकनाथ शिंदे को ठाकरे परिवार का सबसे करीबी व्यक्ति माना जाता था, सबसे करीबी नेताओं में से एक गिना जाता था और इसीलिए एकनाथ शिंदे के खिलाफ अब तक कोई बहुत बड़ा प्रदर्शन पूरे महाराष्ट्र में नहीं हुआ है। और एकनाथ शिंदे की नाराजगी की जो वजह रही वो पूरे इस 2.5 साल के दौरान देखी जा सकती है, क्योंकि एकनाथ शिंदे को यह लगता था कि उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व के मुद्दे पर समझौता किया, बाला साहब ठाकरे का जो सपना था उसके खिलाफ जाकर काम किया, कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन किया। दूसरा, क्योंकि सरकार चलाने के दौरान जो शिवसेना के कार्यकर्ता या विधायक थे उनकी तमाम चीजें इस सरकार में नहीं सुनी जाती थी, शरद पवार का बहुत ज्यादा हस्तक्षेप पूरी सरकार में रहता था और तमाम मुद्दों पर उद्धव ठाकरे भी चुप्पी साध लेते थे जब बात शरद पवार की आ जाती थी और इसी कारण से यह पूरी नाराजगी लगातार विधायकों के बीच बढ़ती गई और यही वजह रही कि आज उद्धव ठाकरे अपने ही विधायकों को मनाने में असफल दिखाई दे रहे हैं। वो इमोशनल कार्ड जरूर खेल रहे हैं, वो अपने कार्डर को संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो एक शिवसेना के विधायक को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, लेकिन अब उद्धव ठाकरे भी इस बात को पूरी तरह से समझ चुके हैं कि उनके हाथ से महाराष्ट्र की यह कुर्सी जाती हुई दिखाई दे रही है। एक अंतिम कुर्सी ही नहीं, महाराष्ट्र की कुर्सी ही नहीं विशाल, यहाँ पर पार्टी का जो दावा है उनका, पार्टी पर जो उनका दबदबा था उसे भी बहुत बड़ा चैलेंज मिला है। शिवांगी, अगर बात की जाए पार्टी पर जिस तरह से एकनाथ शिंदे ने दावा किया है, आने वाले दिनों में बहुत सारी टेक्निकलिटीज होगी,
और उससे पहले इस पर हम बातचीत करें उससे पहले 10 बड़ी अपडेट इस वक्त की अपने दर्शकों को बताते रहते हैं कि महाराष्ट्र में सियासी संकट से जुड़े 10 अपडेट। कोई शिवसैनिक सीएम बने तो मुझे खुशी होगी, उद्धव ठाकरे ने कहा, मैं अपना इस्तीफा देने को तैयार हूं। अब से थोड़ी देर पहले फेसबुक लाइव में उन्होंने कहा कि शिवसेना अध्यक्ष पद छोड़ने को भी तैयार हूं। शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच बैठक चल रही है। उद्धव ठाकरे के संबोधन के ठीक बाद ये बैठक शुरू हुई और शाम 7 बजे मीडिया से बात करेंगे एकनाथ शिंदे, गुवाहाटी में बैठे हैं। इस बीच विधायक नितिन देशमुख जो कि सूरत से वापस महाराष्ट्र लौट आए हैं, दावा किया है कि सरकार को कोई खतरा नहीं है। शिवसेना ने विधायकों को व्हिप जारी किया था कि शाम 5 बजे तक पहुंचे वरना सदस्यता जाएगी, लेकिन उस व्हिप को सीधे तौर पर शिंदे गुट ने नकार दिया, चुनौती दी। शिंदे गुट ने भरत गोगावले को अपना चीफ व्हिप बनाया और कहा कि जो प्रभु की तरफ से सुनील प्रभु की तरफ से व्हिप जारी किया वो अवैध है, उद्धव ठाकरे को मीटिंग बुलाने का अधिकार ही नहीं है। अश्विन पांडे एक तरफ उद्धव ठाकरे की अपील, दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे आगे बढ़ते हुए वैधानिक तरीके से पार्टी पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब किस रास्ते पर बढ़ रहे हैं एकनाथ शिंदे, उनकी क्या रणनीति नजर आती है? अश्विन, पूरा प्रक्रिया एकनाथ शिंदे कर रहे हैं, खासतौर पे वो डिप्टी स्पीकर के पास उन्होंने पत्र लिखा, 34 विधायकों का हस्ताक्षर करके उन्होंने डिप्टी स्पीकर गवर्नर को इसके साथ जानकारी दी, यानी कि वो पूरी तरह से पार्टी को कंट्रोल में लेना चाहते हैं और फिर एक नया गठ बनाकर आगे की जो रणनीति है वो जो है स्थापित करेंगे। अगर हम इसमें बीजेपी की अगर पक्ष को समझने की चाहें तो 106 विधायक बीजेपी के पास हैं और अगर 39 जो शिवसेना के विधायक हैं, साथ ही जो निर्दलीय विधायक हैं, कुल मिला के करीब 46 से ज़्यादा हैं, अगर ये सब एक साथ मिलते हैं तो ये आंकड़ा 152 के आसपास पहुंच जाएगा, जो कहीं ना कहीं बहुमत का आंकड़ा है और ये जो यहां पर उद्धव ठाकरे की सरकार है वो पूरी तरह से गिरती नजर आ रही है और यही बात कोशिश कर रहे थे उद्धव ठाकरे पूरी तरह से। ठीक है, नंबर गेम में एकनाथ शिंदे हावी दिखते हैं लेकिन राजनीति में कभी भी कुछ भी घटित हो सकता है। इस बड़ी खबर पर हमारी लगातार नजर बनी हुई है, मुंबई से गुवाहाटी से हर जगह से अपडेट हम आपको दे रहे हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।